हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा प्लस वन पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट चैप्टर है फेडरल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में संघीय जो व्यवस्था है अपनी संघीय व्यवस्था, यानी कि जो संघीय शासन प्रणाली है, इस संघीय शासन प्रणाली में हम देखेंगे कि संघ क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं और एकात्मक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है और एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। और इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था में कब हमारी व्यवस्था जो है, शासन का स्वरूप जो है, वो एकात्मक हो जाता है, एकात्मक शासन प्रणाली में वो परिवर्तित हो जाता है। और इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट और सेंटर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच जो विवाद है, उस विवाद के कारण क्या हैं। जैसे कई बार जो वित्तीय रिसोर्सेज जो होते हैं उनको लेकर के या बाउंड्री को लेकर के कई बार सीमा विवाद भी हो जाता है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट सरकार के बीच विवाद के कारण क्या हैं और उन विवादों को दूर करने के लिए जो 1983 के अंदर रणजीत सिंह सरकारिया जो एक रिटायर्ड जज थे, उसकी अध्यक्षता में जो कमीशन बिठाया गया था, उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, उसकी क्या अपने सुझाव थे और उनको अब तक जो है वो लागू नहीं किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले जो अपना फेडरल सिस्टम है इंडिया का, उसको जानेंगे कि भी संघ क्या होता है। तो देखो, संघीय व्यवस्था, ये जो संघीय व्यवस्था है, यानी कि अंग्रेजी भाषा का जो फेडरल शब्द है, जो फेडरल वर्ड है, ये फ्रेंच भाषा के फोडस शब्द से निकला है। जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके फोडस शब्द से निकला है। और फ्रेंच शब्द में, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर फोडस का मतलब होता है ट्रीटी, यानी कि संधि या समझौता। मतलब संघ क्या है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि संघ है क्या, संघ क्या है। तो देखो, अंग्रेजी भाषा का जो फेडरल शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण संघ होता है, ये फ्रेंच लैंग्वेज के फोडस शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है संधि या समझौता। इसको आप इस प्रकार से समझो कि जब विभिन्न छोटे छोटे राष्ट्र, और वो छोटे छोटे राष्ट्र की कंडीशन क्या है कि वो स्वतंत्र हो, वो एक सॉवरन स्टेट होते हैं, यानी कि वो संप्रभु राष्ट्र होते हैं। जब छोटे छोटे राष्ट्र आपस में मिलकर के एक बड़े स्टेट का निर्माण करते हैं, एक बड़ी इकाई अपनी बना लेते हैं, तो जब वो एक बड़ा स्टेट बनाएंगे तो उनके बीच पावर ज्यूरिडिकेशंस, पावर एंड फंक्शंस को लेकर के कुछ संधियां होंगी, कुछ समझौता होगा कि भी कौन सी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी और कौन सी पावर जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जिससे आकर के मिलकर के हमने संघ बनाया है वो उसको यूज करेगी। तो पावर ज्यूरिडिकेशंस और उनके जो फंक्शंस वगैरह हैं उनको लेकर के उनके बीच एक समझौता बनता है, एक संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो 1922 यानी कि 1922 में यूएसएसआर का गठन हुआ, यूनाइटेड स्टेट सोवियत ऑफ रिपब्लिक, हिंदी में बोलते हैं इसको सोवियत संघ, हिंदी में इसको बोलते हैं सोवियत संघ। यानी कि जो सोवियत संघ जो है, जिसका अभी मैंने आपको अर्थ बताया है, ये 1922 में बना। अब
उस संघ में शामिल जो देश थे, जैसे वर्तमान आज देश है बेलारूस है, जॉर्जिया है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और उनके अंदर जो एक डोमिनेंट जो स्टेट है वो रसिया है, रूस। यानी कि ज्योग्राफिकल बेस पर हम देखें तो रसिया जो है वो एक इनके अंदर एक डोमिनेंट स्टेट था, और बाकी ये छोटी इकाइयां थी, छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र थे ये, जैसे जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस प्रकार ये छोटे छोटे जो हैं 15 राज्यों ने एक साथ आकर के क्या बनाया, संघ बनाया। तो आप समझे कि फेडरल सिस्टम से क्या अभिप्राय, संघ से क्या अभिप्राय है, कि जब विभिन्न छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र यानी सोवरन स्टेट एक साथ आकर के और एक बड़े राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं, जैसे 1922 में अभी मैंने ये स्टेट आपको बताए, ये सारे एक साथ आकर के इन्होंने अपना संघ बनाया, तो वो कहलाता है संघीय व्यवस्था। अब देखो ये जो संघीय व्यवस्था है, इस संघीय व्यवस्था में क्या होता है, एक होता है संघात्मक शासन प्रणाली, एक है आपकी संघात्मक शासन प्रणाली, और दूसरी है आपकी एकात्मक शासन प्रणाली। इन दोनों को समझना है आपने कि संघात्मक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है और एकात्मक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो सेंटर और स्टेट, ये देखो एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि पूरे देश के लिए बनने वाली जो सामान्य सरकार होती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, और उस सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है जिसका लीडर प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसी की एडवाइस पर, उसी की सलाह के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है। इसी प्रकार अपने स्टेट के अंदर आपने देखा 28 स्टेट है इंडिया के अंदर, तो 28 स्टेट के दो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हैं और उसके लीडर चीफ मिनिस्टर हैं, और वहां एक प्रतीकात्मक तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो एक प्रकार से गार्जियन है राज्यपाल, वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करता है। तो सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट जो होती हैं, इनके बीच जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो वितरण है, वो बाय कॉन्स्टिट्यूशंस हो, वो संविधान के द्वारा हो, उसको कहेंगे हम संघात्मक शासन प्रणाली। यानी संघात्मक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर फंक्शंस और ज्यूरिडिकेशंस को लेकर के जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो बाय कॉन्स्टिट्यूशंस हो, संविधान के द्वारा हो, तो उसको कहेंगे हम संघात्मक शासन प्रणाली। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में स्वयं डिसीजन ले सकती है। इसके विपरीत यदि हम एकात्मक शासन प्रणाली देखें, इस एकात्मक शासन प्रणाली का आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा इंग्लैंड के अंदर। जैसे भारत के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा आपको इंग्लैंड, जहां एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, वो अपने पावर, अपने ज्यूरिडिकेशंस और अपने फंक्शंस के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पर निर्भर करती है,
वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पर निर्भर करती हैं, उसको एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। जैसे देखो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, इसके पास वर्तमान समय में हम देखें तो स्टेट जो लिस्ट होती है इसके अंदर 66 सब्जेक्ट है, लेकिन वर्तमान में इसके 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड कर दिए हैं, तो इसके पास अब 61 सब्जेक्ट है। सामान्यकालीन परिस्थितियों में स्टेट गवर्नमेंट इन विषयों के ऊपर कानून बना सकती है, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट संघात्मक शासन प्रणाली में इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली में जो छोटी इकाइयां होती हैं, वो इकाइयां जो हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पर डिपेंड करती है, उसको कहेंगे हम एकात्मक शासन प्रणाली। अब देखो इंडिया के अंदर क्या है, जो हम अपना संविधान है उसके संविधान के अकॉर्डिंग हम देखें तो अपने संविधान में कहीं पर भी जो फेडरल जो वर्ड है इसका यूज नहीं किया गया है, क्योंकि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान निर्माता थे, उनको इस बात का पता था कि भी यदि भारत जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहां फेडरल सिस्टम होता है तो उन छोटी छोटी इकाइयों के बीच एक समझौता होता है, ट्रीटी होती है, संधि होती है, वो संधि और समझौता किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1922 के अंदर यूएसएसआर का गठन हुआ और ये यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया इसका, यानी कि इसका विघटन हो गया, क्योंकि संधि समझौते को किसी भी समय तोड़ा जा सकता है, वो जो छोटी छोटी इकाइयां थी वो इसे अलग हो गए, हम नहीं मानेंगे यूएसएसआर को। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट है ना, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यदि ऐसा फेडरल सिस्टम के अंदर यूज कर देते वर्ड को, तो भारत की जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसकी जो यूनिटी है, इसका जो एक प्रकार से इसकी जो डिग्निटी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो अखंडता जो है वो उसको खतरा था, फिर तो अलगाववादी प्रवृत्तियां इससे अलग होने के लिए आंदोलन चलाते और हम नहीं मानेंगे। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहीं पर भी फेडरल शब्द को यूज नहीं किया गया है, बल्कि ऐसा कहा गया है यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट, कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, क्योंकि एक इतनी बड़ा जो वास्ट जो कंट्री है, एक बहुत बड़ा देश है, हम प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपने देश के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली को अपना रहे हैं, न कि किसी समझौते का परिणाम है। तो इस प्रकार आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूनियन ऑफ द स्टेट किस जो फेडरल शब्द है इसके स्थान पर हमने रखा है यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ है भारत, न कि किसी समझौते का परिणाम है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो संघात्मक शासन प्रणाली है इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है कि जो शक्ति का जो विभाजन है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो देखना है आपने। पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि भी जब छोटी छोटी इकाइयां एक बड़े राष्ट्र राज्य का निर्माण करती है तो उनके बीच जो ट्रीटी होती है, उनके बीच जो समझौता होता है, तो उसके बीच सबसे पहले वो ये करते हैं कि जो हमारी पावर है, पावर, उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, यानी कि पावर फंक्शन और जो उसका ज्यूरिडिकेशन है उसका निर्धारण किया जाए कि कौन सी शक्ति पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी और कौन सी शक्तियां जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और कौन सी पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास रहेगी।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में जो शक्ति का विभाजन किया गया है उसमें अपने संविधान निर्माताओं ने तीन सूचियां बनाई हैं। एक है आपकी सेंट्रलिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यानी जो सेंट्रलिस्ट है इसके अंदर विषय रखे हैं 97, यानी कि 97 जो 97 जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे गए कि भी इन विषयों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अपना रक्षा का है, वित्त का है, विदेश का है, संचार का है, रेलवे का है, डाक तार का है, ठीक है, गृह का है, इस प्रकार के 97 जो सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि रक्षा का, वित्त का, विदेश का, गृह का, डाक तार का, संचार का, रेलवे का, ये सारे के सारे ऐसे 97 जो सब्जेक्ट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी इनके ऊपर। जो आपकी स्टेट लिस्ट है इसके अंदर 66 सब्जेक्ट है, लेकिन इसके 5 सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए, तो कॉन्करेंट लिस्ट में पहले थे 47, अब हो गए 52 और इसके अंदर जो निकाले गए अब वो बन गए 61, लेकिन पढ़े और लिखे 66 और 47 ही जाएंगे। तो ऐसे जो 66 विषय हैं, जो 66 सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, वो डिसीजन लेती है, वो कानून बनाती है। तो ऐसे जो 66 विषय हैं उनके ऊपर जैसे देखो, परिवहन का है, कृषि का है, बिजली का है, जेल का है, स्थानीय शासन का है, ऐसे जो विषय हैं इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है। और कॉन्करेंट जो लिस्ट है इसके अंदर है आपके 47 सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है आपने कि जो 47 जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर आते हैं, इनके अंदर 47 सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यानी कि 47 जो सब्जेक्ट है इनके ऊपर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन एक ही कानून को लेकर के दोनों सरकारों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो है वो मान्य होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कानून मान्य नहीं होगा। तो ऐसे जो कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी, इसके अंदर 47 सब्जेक्ट है, जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं शिक्षा, वन, नाप तोल, उत्तराधिकार, यानी कि आपने किसी बच्चे को गोद लेना है, या विवाह शादी का, डिवोर्स का है, मैरिज का है, इस या एजुकेशन का है, फॉरेस्ट का है, मेजरमेंट्स का है, ये सारे के ऐसे 47 सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में रखे गए हैं और इनके ऊपर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का जो विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है, तो अब इसके लिए अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ये कानून बना सकती है। दूसरा जो विषय है इसके अंदर देखें, शक्ति का जो विभाजन है, तो दूसरा जो विषय है इसके अंदर हम देखते हैं कि एक ये चीज जो इनके बीच एक प्रकार से सहमति बनी है, इन छोटी छोटी इकाइयों के बीच जो सहमति बनी है, तो ये जो सहमति बनी है इसमें जरूरी है कि वो चीजें जो है लिखित रूप में उनका एक रिकॉर्ड रख लिया जाए, मतलब रिटन रिकॉर्ड हो, ताकि भविष्य में दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, विवाद ना हो। तो उन चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लिखित संविधान है। अब जो लिखित संविधान होगा, तो अपने इंडिया के अंदर देखो जो लिखित संविधान है उस संविधान की सुप्रीमेसी है, उसकी सर्वोच्चता है। यानी सरकारें, दल, पॉलिटिकल पार्टीज, आम लोग, ये सब जो है वो संविधान के अधीन है, संविधान की सुप्रीमेसी है।
और उस संविधान के सुप्रीमेसी, उसकी जो गार्जियन है, उसकी इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी होती है वो उसकी संरक्षक है। अब मान लो दोनों सरकारों के बीच पावर को लेकर के, ज्यूरिडिकेशंस को लेकर के या उनके फंक्शंस को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो विवाद होता है, तो जो हमारी इंडिपेंडेंस जुडिशरी है वो जुडिशरी या वो न्यायपालिका उस लिखित संविधान का हवाला देकर के और उनके उनकी शक्ति कार्यों का सही प्रकार से वो निर्धारण कर सकती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन चीजों को ऑन रिकॉर्ड, मतलब उसको एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है। तो ये है उसका लिखित संविधान, उस संविधान के अंदर जो अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका वर्णन होता है। उन फंडामेंटल राइट्स वायलेंट होते हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसी लिखित संविधान के अंदर सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार की कौन कौन सी पावर होंगी, उसकी शक्तियां होंगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसके लिए एक लिखित होना, उन चीजों को ऑन रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी होता है। तो उसका दूसरी जो प्रणाली है, एक तो आपने देखा शक्तियों का विभाजन और दूसरा देखे आपने लिखित संविधान, और तीसरी इसकी जो विशेषता है वो तीसरी इसकी ये विशेषता है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, एक जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। इस स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है कि उस न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर ना हो, यानी कि वो मतलब एक बोल्ड तरीके से अपने वो डिसीजन देश के, अपना जजमेंट देश के, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मतलब दबाव ना हो। तो अपने इंडिया के अंदर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, जो संविधान निर्माता जो हैं, इन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है और वो स्वतंत्र न्यायपालिका अपने संघीय ढांचे के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच पानी को लेकर के, सीमा विवाद को लेकर के, अपने पावर को लेकर के, फंक्शंस को लेकर इनके बीच यदि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका उसका निर्धारण करती है। तो इस प्रकार अपने देश के अंदर जो संघीय व्यवस्था है ये चलती रहती है, ये इस संघीय व्यवस्था का वो गार्जियन है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत ही जरूरी है। तो आपने देखा कि शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, लिखित उसके लिए संविधान हो, एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, और दूसरा है द्विसदनात्मक विधान मंडल हो, द्विसदनात्मक विधान मंडल। द्विसदनात्मक विधान मंडल में क्या है, आपने देखा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि अपने देश जो अपनी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग है। तो आपने ये देखा कि लोकसभा जो है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि आपने देखा नाम से ही आपको पता चल जाएगा राज्यसभा, यानी कि राज्यों की सभा। अब देखो ये जो राज्यसभा है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों की सभा, यानी जो आपका एल्डर हाउस जो है, जो आपका उच्च सदन है, अपर हाउस जो है, तो इसको आपने नाम से ही पता चल गया राज्यों की सभा। तो ये क्या करती है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उसके लिए एक द्विसदनात्मक विधान मंडल हो, जो राज्यों की जो एक प्रकार से उनकी जो कोई इस प्रकार का कोई विवाद है या दूसरे उनके जो उनके इंटरेस्ट है, उनके हित जो है, उनको वो हाईलाइट कर सके या उनके हितों की वो सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उसके लिए द्विसदनात्मक विधान मंडल होना बहुत जरूरी है। तो शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और द्विसदनात्मक विधान मंडल उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे अमेरिका के अंदर भी हम कांग्रेस के बारे में यदि पढ़ते हैं तो उसके भी दो सदन हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी 50 स्टेट हैं, तो वहां पर मतलब जो कांग्रेस है उसके दो अंग हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट्स। सीनेट्स जो होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है, यदि अगला अगला टॉपिक हम देखें तो
यहां पर राज्यों के लिए जो है एक अलग जो है वो संविधान की आवश्यकता होती है। वैसे इंडिया के अंदर एक स्टेट था ऐसा जिसका अपना अलग अलग संविधान था, लेकिन द्विस ये जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहां राज्यों के लिए एक अलग संविधान होता है जो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसको तैयार करती है। तो ऐसा एक ही अपने राज्य स्टेट के अंदर था, जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा था, लेकिन अब उसको भी समाप्त कर दिया है। तो अपने इंडिया के अंदर जो है वो एक ही संविधान है, एक ही विधान है, एक ही, लेकिन राज्यों का अपना अलग से उनको संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जहां संघात्मक शासन प्रणाली होती है उसकी जरूरी है कि राज्यों का एक अपना अलग से संविधान। तो ये था आपका टॉपिक कि संघीय शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, उसके दो रूप है संघात्मक और एकात्मक, उसके बारे में आपने पढ़ा, और संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, और भारत में क्यों फेडरल वर्ड जो है वो कायम नहीं किया गया जबकि यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है, और संघ शब्द से क्या अभिप्राय उसके बारे में भी आपने पढ़ा। तो ये था आपका संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। कल आपको करवाएंगे जहां जिन देशों के अंदर या एकात्मक शासन प्रणाली जो होती है तो उसकी क्या विशेषताएं होती है, और ये भी देखेंगे कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ हमें एकात्मक जो शासन प्रणाली है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है या ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल क्यों बनाया गया है, उसके क्या कारण है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ हम देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।